आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आज दूसरा चरण शुरू हो रहा है। आज सुकमा के कोंटा विधानसभा में भेंट मुलाकात करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, योजनाओं का फीडबैक लेंगे। साथ ही दोपहर 12 बजे कोंटा विधानसभा पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। छिंदगढ़ में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे और सुकमा में पुलिस ऑफिसर मेस का लोकार्पण करने वाले हैं। कई प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात करने वाले हैं। साथ ही शाम 7:30 बजे राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय का जायजा लेंगे। कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे सीएम भूपेश बघेल। भेंट मुलाकात कार्यक्रम का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। सुकमा के कोंटा विधानसभा में भेंट मुलाकात करेंगे। दोपहर 12 बजे का समय है जब कोंटा विधानसभा पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। आपको बता दें कि अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेश बघेल जनता के बीच पहुंचते हैं। जमीन स्तर पर योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है या नहीं, इस बात का जायजा लेते हैं और उनके इसी कार्यक्रम का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। छिंदगढ़ में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुकमा में पुलिस ऑफिसर मेस का लोकार्पण करेंगे। शाम 7:30 बजे का समय है। राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय का जायजा लेंगे। कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे कोंटा विधानसभा पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। छिंदगढ़ में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होने वाले। आपको बता दें कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेश बघेल योजनाओं का फीडबैक लेते हैं, सीधे जनता से चर्चा करते हैं। सुकमा में पुलिस ऑफिसर मेस का लोकार्पण करेंगे और तमाम विकास कार्यों का स्वागत भी आज देने वाले हैं। और अधिक जानकारी इस पर हम लेंगे हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, एक बार फिर सीएम भेंट मुलाकात के लिए निकलेंगे, तमाम विकास कार्यों का लोकार्पण आज उनके हाथों होना है, क्या कुछ आज होगा विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए भेंट मुलाकात के दूसरे चरण की शुरुआत आज से होनी है। पहला चरण सरगुजा संभाग से शुरू हुआ था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, 4 मई से लेकर 11 मई तक का। देखिए उसमें 8 विधानसभा क्षेत्र, 3 जिले मुख्यमंत्री ने कवर किए थे। उस भेंट मुलाकात में देखिए पैटर्न, सुबह निकलते हैं रायपुर से, जैसे आज निकलेंगे सुबह 10:30 बजे के आसपास। सरगुजा में भी ये शुरुआत हुई थी, कहीं पर पहले रुकते हैं, कहीं भेंट मुलाकात होती है, लोगों का चौपाल लगाया जाता है वहाँ पर। उसके बाद दोपहर में किसी कार्यकर्ता के घर वो खाना खाते हैं और शाम को फिर जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं। फिर वहाँ पर भी एक आध विधानसभा में लोगों के बीच में आ जाते हैं, कहीं चौपाल लगाते हैं, पेड़ों की छांव के नीचे आम लोगों से बातचीत करते हैं। तो पैटर्न वही रहता है, देखिए आम लोगों से अधिक कनेक्ट होना, सरकारी योजना की अधिक से अधिक जानकारी लेना, फील्ड में लोग काम कर रहे नहीं कर रहे हैं, सरकारी अमला काम कर रहे नहीं कर रहे हैं और लोगों को राहत मेन उद्देश्य होता है। आज चूंकि देखिए एक बड़ा मैसेज है, आज से सुकमा का कोंटा सबसे ज्यादा घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। कोंटा से विधायक आते हैं कवासी लखमा, उनके विधानसभा क्षेत्र में आज भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है। कोंटा देखिए सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उस पूरे सुकमा में सबसे ज्यादा अगर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, कोंटा का वही भाग है, जगरगुंडा वाला भाग, ये पूरा जो इलाका है कोंटा से आगे का जो बढ़ते हैं वो पूरा घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। तो वहां पर बैठकर एक संदेश देने की कोशिश है कि विकास कार्य लगातार आगे बढ़ते रहेगा और नक्सलिज्म चूंकि उस इलाके में काफी कम हुआ है सरकार के आने के बाद, तो डेवलपमेंट कितना हो पाया है, ऑन ग्राउंड स्थिति वो जानेंगे और भी जो वहाँ के लोग हैं उनको विकास के कार्यों की सौगात देंगे। छिंदगढ़ भी जाएंगे उसके बाद वो, और शाम को फिर सुकमा में पुलिस ऑफिसर्स मेस जो बना है, जियोस मेस, उसका उद्घाटन भी उनको करना है और सुकमा में रात्रि विश्राम है, कल उनका बीजापुर का दौरा। तो आज से 3 दिन का उनका दौरा, 18, 19 और 20 तारीख को वो लौट आएंगे रायपुर, फिर 2 दिन का ब्रेक है, फिर 23 तारीख से फिर से बस्तर संभाग की जो उनका भेंट मुलाकात फिर से जारी रहेगा। तो 2 चरणों में बस्तर संभाग उनको करना है, आज बस्तर संभाग का पहला चरण और इस पूरे भेंट मुलाकात का दूसरा चरण आज सुबह जो है 10:30 बजे जब रायपुर से मुख्यमंत्री रवाना होंगे तब से शुरू होगा। चलिए, यानी कि कई कार्यक्रम जिनमें सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। शुक्रिया आपका आदित्य जी पूरी जानकारी के लिए।